तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही टेस्टी चिकन की रेसिपी बताने वाला हूं जो आप घर पे बना सकते हो। बहुत ही स्वादिष्ट बनती है ये और इतना टेस्ट इसका आता है ना कि आपके मेहमान खुश हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप अच्छे तरीके से चिकन को धोने के बाद ना ये कायनात का मीट मसाला मिलता है जो आपने ख़रीदना है, सिर्फ 40 रुपये का ये आता है। इसके अंदर का इन्ग्रीडियंट आप यहाँ पर स्क्रीन में पूरी तरीके से देख सकते हो। 1 kg मसाले के लिए ये जो पूरा मीट मसाला है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो मीट को अच्छे से धोने के बाद हमने इसमें मिलाना है तकरीबन 300 से 400 ग्राम दही। हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं तकरीबन 400 ग्राम दही जो आप मार्केट से ख़रीद के ला सकते हो। दही मिलाने के बाद इसके अंदर आपको मिलाना है वही सेम मीट मसाला जो हमने आपको दिखाया था। अच्छे तरीके से आप पूरा पैकेट इसके अंदर डाल दीजिए एंड मसाला डालने के बाद आपको इसके अंदर 4 बड़े चम्मच अदरक और लहसुन का जो पेस्ट होता है उसको आपने डालना है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट आप घर पे ही बड़े आराम से तैयार कर सकते हो। एक बार जब आप इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दो, आप बढ़िया तरीके से इसको आपने करना है पूरा मैरिनेट। मैरिनेशन का जो ये वाला प्रोसेस है इसको आप काफ़ी अच्छी तरीके से कीजिएगा ताकि आपके चिकन के एक एक पीस के अंदर जो मसाला है वो डीपली पेनिट्रेट कर जाए और मसाले का स्वाद आपके चिकन में भर कर आए। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप के लिए बढ़ना है जो कि है प्याज रेडी करना, बिकॉज हम उनको फ्राई करेंगे अच्छे से। तो आप एक उसमें तकरीबन 300 ग्राम से लेके 400 ग्राम प्याज, छोटे छोटे हो या बड़े बड़े, आप उनको कट करके रख सकते हो। हम यहाँ पे छोटे प्याज का इस्तेमाल कर रहे हैं बिकॉज़ इनको फ्राई करना बहुत ही ज़्यादा ईजी रहता है और काटने में भी अभी मार्केट में भी छोटे प्याज मिल रहे हैं। तो आपने अच्छे तरीके से फिर एक बड़े से पैन में आपने लेना है थोड़ा सा सरसों का तेल, कुकिंग ऑयल, हम यहाँ पे सरसों का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरे पैन में आपने चढ़ा देने हैं सारे कटे हुए प्याज को जो हमने काटे थे। तकरीबन 200 से 300 ग्राम प्याज हमने यहाँ पे काटा है ताकि हम इनको अब डीप फ्राई करेंगे, बिल्कुल एकदम क्रिस्पी हम इन प्याज को फ्राई होने तक करते रहेंगे। एक बार हमने जब यहाँ पर इसको चढ़ा दिया है दूसरे वाले बड़े पैन में, अब हमको हमारे नेक्स्ट स्टेप में बढ़ना है। हम उस ऑयल के अंदर डालेंगे थोड़ा सा प्याज, जैसा कि अभी आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, बहुत ही कम प्याज हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। इसके बाद 45 मिनट रखे हुए जो मैरिनेशन हमने की थी चिकन को, 45 मिनट रखने के बाद उन चिकन के पीसेस को आपने इस तरीके से ऑयल एंड प्याज में अच्छे तरीके से हमने इसको फ्राई करना है। बिकॉज़ ये पूरा का पूरा मिश्रण हम इसके अंदर डाल देंगे, बिकॉज़ इसी मिश्रण के अंदर ही ये पूरा कुक होगा, तो सारे मसाले डीप पेनिट्रेट करेंगे एंड अच्छे तरीके से ये पक भी जाएगा। तो जितनी देर में यहाँ पे हमारा चिकन पक रहा है उतनी ही देर में हमारा यहाँ पे जो प्याज है वो भी बनकर रेडी हो जाएगा। जब एक बार इसके अंदर प्याज रेडी होने को तैयार हो जाए, आप अच्छे तरीके से इसमें स्वाद अनुसार नमक भी डाल दीजिए ताकि ये भी प्रॉपर तरीके से पेनिट्रेट कर जाए मसालों में। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, तकरीबन 20 से 30 मिनट बाद स्लो फ्लेम पर जो हमारा प्याज है वो इस तरीके से पूरे तरीके से रेडी हो चुका है। इसका साइज़ भी कम हो गया है, ये ब्राउन भी हो चुका है और क्रिस्पी भी बन गया है। अब हमने क्या करना है, हमने इसको निकाल लेना है इस फ्लेम में से ताकि ये जल ना जाए। और दूसरी तरफ आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो कि जो हमारा चिकन है वो भी देखिए तकरीबन 30 मिनट के बाद प्रॉपर तरीके से जो कुक है बॉयल हो चुका है। एंड जो अब ये पानी देख रहे हो ना, ये सारा हमारे मैरिनेशन में से निकला हुआ है प्लस चिकन में से। तो इसको हम ढक के रख देते हैं, तब तक हम जो ये प्याज है इसको हम लोग निकाल लेते हैं हमारे गैस स्टोव के ऊपर से ताकि ये पूरी तरीके से बर्न ना हो जाए। स्लो फ्लेम पे हमने इसको पूरी तरीके से कुक किया था तकरीबन 20 से 25 मिनट तक, उसके बाद ही इस तरीके से बन जाता है। देन आपने इन प्याज के इसी तेल के अंदर ही आपको तकरीबन, अगर आप 2 या 3 आलू अगर आप लेते हो आपके फैमिली के मेंबर्स के अनुसार, हमने यहाँ पे 6 आलू लिए हैं, 6 आलू एज इन 3 आलू को लेके उसको बीच में से कट करके हमने उसी प्याज वाले इसमें इसको अच्छे से करना है फ्राई। इसका स्वाद बहुत ही मज़ेदार आता है दोस्तों, खाकर देखना एकदम दम आलू क्या, बिल्कुल टिक्के वाले आलू जैसा स्वाद आ जाएगा आपके इसमें। फिर इस भुने हुए प्याज को हम लोग डाल देंगे हमारे चिकन के ग्रेवी में जो वहाँ पे साइड में रेडी हो रहा था। अभी तक हमने इसमें पानी नहीं डाला है, जो पानी हमारा निकला था मैरिनेशन में से उसी वाले में हमने इसको डाला गया है। इसके बाद आपने जो आलू हमने फ्राई किए थे वो आलू इसके अंदर डाल देने हैं और हल्का सा पानी आपने इसके अंदर डालना है ताकि आलू का जो ग्रेवी है वो थोड़ा सा बन जाए। और फिर आपको इसको तकरीबन 15 मिनट और कुक करने के बाद लास्ट में 10 मिनट निकालने से पहले आप इसमें डालिए ये केवड़ा जो कायनात मसाले के अंदर ही आपको मिल जाता है। केवड़ा का ये पानी मिलाने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से पूरा जो है इस तरीके से मिक्स कर दीजिए ताकि केवड़ा पूरे मीट और पूरे आलू में और पूरे ग्रेवी में फैल जाए। देन आप इसको कुछ देर के लिए छोड़ के रख दीजिए तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद आप एक कटोरे में इसको निकाल कर खा के देखिए, जो स्वाद आपके मुंह पे लगेगा ना दोस्तों, ये चिकन आप किसी रेस्टोरेंट में भी नहीं मिल पाएगा, इतना स्वादिष्ट बनता है। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा पेज को।